मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि लगवा लिया पंखे कैसे यू लाइक इट आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुकी हूँ क्योंकि आज है मेरा दूसरा दिन और मैंने कल व्लॉग डाला था वो था मेरा हाउस टूर। और अगर किसी ने नहीं देखा ना तो जाके आप लोगों ने देख लेना और उससे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। A few moments later. चैनल को कर ले सब्सक्राइब, आप लोगों को समझ तो आई गई होनी है। खैर मेरे मुंह से नहीं निकला, मैं क्या कह सकती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं उठी थी, मैंने उठने के बाद नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मुझे याद आया कि मेरी तो अपॉइंटमेंट है 3 बजे, तो अभी टाइम हो गया है 2:49। तो खैर अभी मैंने जाना है, निमा को पिक करना है, उसकी तरफ जाऊंगी, उसको पिक करूंगी, उसको साथ लेके जाऊंगी क्योंकि मैं अकेली नहीं जाऊंगी कहीं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आज सुबह का व्यू। मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था मैं दिखाऊंगी, वादा तो नहीं किया था, खैर मैंने वीडियो में कहा था तो वादा ही हो गया। अच्छा चलो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना व्यू आज का। ये तो ये रहा जी हमारा व्यू आज सुबह का, वो है ट्रेन स्टेशन, आप लोगों को नजर आ जाएगा, वो है वो यहाँ पे, और यहाँ से गुजरती हैं ट्रेन हमारे सामने से, हमारे घर के सामने से। ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, मैं पहनूंगी शूज और मैं निकलती हूँ उसको पिक करने के लिए। तो उससे पहले आप लोग पता ही आप लोगों को क्या करना है। समझ रहे हो ना, अब हम बैठते हैं अंदर। ठीक है बहुत लेट हो गए हैं, मुझे निमा की कॉल आई थी अभी, कह रही है कि मतलब तुम लेट हो गई हो। तो खैर चलते हैं, अभी करते हैं इंजन स्टार्ट, तो चलते हैं हम उधर। A few moments later. क्या गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ निमरा की तरफ, और मैंने यहाँ पे पहुंच के मैंने मतलब उन आर्यन की चेयर लगाई है। ठीक है आर्यन को बिठाया और मैं आर्यन से मिलाती हूँ, बहुत हैप्पी है। और निमा मेरे लिए पानी लेके, थैंक यू सो मच। तो अभी फिलहाल आपको आर्यन से मिलाते हैं। आर्यन आर्यन से हाय। ये देखिए गाइस अभी फिलहाल मैंने इसकी ये कार सीट लगाई है और अभी टाइम हुआ जाता है। क्या हो गया आर्यन, टाइम आर्यन की वॉच किधर है? ओ माय गुडनेस गाइस इसके शूज तो चेक करें, आर्यन अभी ठीक नहीं है मेरे बेटा। हाँ जी उसको बुखार चढ़ा हुआ था 2 दिन से, और 3:16 हो गए हैं, तो अभी हम लोगों ने जाना है। ठीक है तो लेट हो रहे हैं, आगे उसकी कॉल आ गई। चलो जी ओके मिलते हैं जी, ओके जाते हैं वहाँ पे मिलते हैं। One hour later. हम गए हैं पहुंच यहाँ पे, और अभी फिलहाल हम लोग अंदर जाएंगे कुछ सर्विसेज लेने के लिए। तो ये कुछ ऐसी जगह है, ये हाउसेज वाला एरिया है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो अभी उन लोगों के कोई बाहर निकला हुआ है, खैर उनको जरा जाने दो, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो खैर निमरा अभी आर्यन को निकालेगी और अभी हम लोग जाते हैं अंदर, अंदर जाकर दिखाते हैं क्या करवा रहे हैं। No, it's a light wall. गाइज हम लोग जा रहे हैं घर, और मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि लगवा लिए पंखे। प्लीज ड्राइव टू हाईलाइटेड रूट्स। हवा चाहिए किसी को? नहीं तो चले चलते हैं यार, काफी हैवी हो गई है। मैंने फर्स्ट टाइम नहीं करवाई, मैंने सेकंड टाइम करवाई है, तो ये वाली फर्स्ट टाइम करवाई है। तो चलते हैं घर जाके मिलते हैं। बुरी नहीं लगती, बुरी नहीं लग रही, तुम भी मुझे नहीं, तुम्हें सूट करनी है कसम से, कसम से तुम्हें सूट करनी है, दिखा तो सही यार। लोग गाइस लोग कितनी प्यारी लग रही है इसको। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, लेट्स सी जो हमारे हस्बैंड है उनका क्या रिएक्शन है। उनका रिएक्शन नोट करना, हम उनका रिएक्शन नोट करेंगे। वो तो एक्साइटेड ही होंगे, वो बेचारे कुछ भी नहीं कह सकते, मैंने मुझे फोर्स किया कराने के लिए खदीजा को रखने की है, तो बस हम नहीं करा। मैंने पहले करवाई थी फिर मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करवा सकती। हाँ। ना मतलब खदीजा ने पहले कराई थी, बहुत लाइट थी इससे, काफी लाइट थी, लेकिन अब हमने काफी हैवी करा ली है। मैंने तो फर्स्ट टाइम कराई है, देखें अभी तो आदत नहीं है, खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो जाएगी। नहीं आदत मतलब बिल्कुल नहीं फील होता लैशेस करवाई है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पंखे करा लिए हमने। देखिए मैं आपको शीशे में, क्योंकि उसने बोला आपको सूट करेगी, आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है अगर तुम कहती हो, एक्सपीरियंस होगा। मेरा बेबी कौन है? तो ये वाला मेरा प्यारा फेफी है राजा, इधर तो देखो। हां जी ओप्स, ये लैपनीज फूड है और हम जा रहे हैं घर को, तो चलते हैं अभी। आर्यन चले लेट्स गो। A few moments later. Guys, अब हम ऊपर जाके जीरे का रिएक्शन नोट करते हैं।
लेट्स सी वो क्या कहते हैं, कैसा लगता है उनको। चलो जी हमने कुछ करवाया है, दिखाएं आपको। ये लाइट चलाओ जरा। हाँ अरे यहाँ के बेचारे को कैसे पकड़े इसको। अरे ये लो बताएं कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड वाओ अरे आंख तो देख रहे थे दो। माशाल्लाह अच्छा है। कैसा है? नाइस। यू लाइक इट? हाँ। रियली? इधर लगता है थोड़ा नीचे में कर दिया वाला। क्या नीचे कर दिया? गाइस मेरे हस्बैंड फिक्स कर रहे हैं इसको। हाँ? ओह शाइनी है। अच्छा वो ग्लू है ना? शाइन हाँ वो अभी ग्लू ड्राई नहीं हुई। मैंने नीचे बैठ गया वाला। अच्छा आपको अच्छी लगी? हाँ काफी अच्छी है। यू लाइक इट? आपने भी की? यस। अच्छा माशाल्लाह आप भी अच्छी है। सूट किया है? सूट की है ना। मैं इसको बोल रही थी कि अच्छी लगी है। दोनों को भी सूट किया। लाइक रियली मुझे मतलब इतनी हैवी मैंने फर्स्ट टाइम करवाई है। मैं कह रही थी कि मतलब नहीं अच्छे हैं माशाल्लाह दोनों। ये पंखे हैं मैं हवा दूंगी आपको इसे ऐसे से। प्यार भाई घर का वापस आ जाएगा। आई लव यू। थैंक गॉड अब धीरे को पसंद आ गई है मेरी लैशेस। मुझे था कि मतलब इनको नहीं अच्छी लगेगी। बड़ी मुश्किल नहीं अभी आज तो कुछ नहीं किया। मंडे को करना है वो कह रही थी। मंडे को करना है। तो खैर गाइस अब हमने खाना ले लिया। अब खाना खाएंगे। आर्यन आर यू हैप्पी? इसने भी व्लॉगिंग किया आज? हाँ जी इसने भी किया है। केड़ी नहीं तुम्हारी इक्वल है वो दे आ रहे। आर्यन इज एक्साइटेड नाउ। हाँ उसको हाइट मिल गया। हाँ जी हाइट मिल गया उसको। उसको ऊंचाई पे पहुंचने का बहुत शौक है। तो गाइज आज आप मैं आप लोगों को भी बाहर से दिखाती हूँ अभी ये मौसम कैसा फिलहाल, क्योंकि आज काफ़ी गर्मी थी। ठीक है और अभी के लिए तो ये देखें जी कुछ मौसम के ये हालात हैं। तो अभी हम लोग पहले खाना शाना खा लें तो उसके बाद फिर मिलते हैं जी। तो गाइज सीन कुछ यूँ है कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने खाना तो खा लिया है। फिलहाल तो मैं बहुत वर्ड यूज़ करूँगी, खैर आप लोग बर्दाश्त करना। खाना तो खा लिया है और अब निमरा को पीनी थी चाय, तो चाय मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी इलायची। ठीक है तो आप भी आप लोगों को चाय भी थोड़ी बहुत सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। रहता है पहला एक्सपीरियंस तो बस ठीक ही था, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पहले एक्सपीरियंस के साथ ये था कि मेरी अपनी लैशेज भी गिर रही थी। और अब देखो इसका क्या बनता है, कितना बचता है कितना नहीं। तो इलायची डाल देते हैं अब हम। इलायची भी देखो मैंने की, कोई हाल नहीं है। ये बाबूराव का स्टाइल है। सुन ले निमरा को छोड़ के आई उसके घर, क्योंकि आर्यन सो गया था और उसको भी नींद आ रही थी और वो भी कह रही थी मुझे घर छोड़ाओ। और बाईजान ने आना था लेट, उसको पिक करना था। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है, और उसने आर्यन का मिल्क लेना था। तो हम लोग गए यहाँ से केमिस्ट, लेकिन वो बंद था। और उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ा कोल्स, और उसके उसने चीज़ें ली हैं। और अब उसको उसके घर उतार के आई हूँ। और मैं अभी अभी आई थी, मैंने कहा बस आप लोगों से अब अल्लाह हाफिज़ कह दें, क्योंकि अभी इसके बाद मैंने जाना है जिम। जिम का टाइम हो चुका है और ज़्यादा लेट नहीं करना, नहीं तो नींद आ जाती है फिर मिस हो जाता है। और बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी लैशेस पसंद आई होंगी। जेर का तो रिएक्शन अच्छा था, शुक्र अल्लाह का उनको पसंद आ गई। बाकी इससे पहले मैंने करवाई थी लेकिन इतनी हैवी नहीं मैंने ली थी, मुझे नहीं था कि मुझे सूट करेंगी। लेकिन वो लेडी मुझे बार बार बोली जा रही थी कि आप ट्राई करें आपको सूट करेगी। तो या आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मेरे पंखे आपको कैसे लगे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बस आप लोगों ने ढेर सारा प्यार करते रहना है, मोटिवेट करते रहना। अभी तक तो फिलहाल मोटिवेट हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। और या अगर पहला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लें, आप लोग भी पसंद करना उसको और पसंद आएगा मुझे पता है। और बाकी या इंशाल्लाह इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बस आपके लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। बाय। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।